आई एम मेहराम और वेलकम है आपका आइडिया के चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और बिना एडिटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, ताकि ऐसी डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र में। तो आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे उस साइट को ओपन करता हूँ जिस साइट से आपने ऑनलाइन बैकग्राउंड को रिमूव करना है। साइट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी साइट शो हो जाएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट ए फ़ोटो, तो आपने यहाँ से अपने डिवाइस में से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डिवाइस में से फ़ोटो को सिलेक्ट नहीं करना तो यहाँ आप सिंपली जिस भी फ़ोटो का बैकग्राउंड मूव करना चाह रहे हैं तो आपने उसका यहाँ पर URL को पेस्ट कर देना है इस लिंक पर क्लिक करके। जैसा कि आपके सामने ये बॉक्स शो हो गया, तो यहाँ आप इस बॉक्स में URL को पेस्ट करेंगे फ़ोटो के, तो वो फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली अब मैं यहाँ सेलेक्ट ए फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने जिस भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मेरे सामने ये फ़ोटो है तो मैं इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको अब सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो कि है बैकग्राउंड रिमूव हो गया और कुछ जो है थोड़ा सा रह गया है, तो हम इसको भी इसी ऑनलाइन टूल से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इरेज एंड रीस्टोर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने इरेजर आ जाएगा। तो आपने सिंपली जिस भी एरिया को रिमूव करना है उस पर क्लिक करते जाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ सही तरह से नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको जूम करके भी रिमूव कर सकते हैं। आप रेज को छोटा भी और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि इस एरिया में छोटा रेज चलेगा। तो हमें रिमूव करने के बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है इमेज डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं बैकग्राउंड मूव हो गया। तो मैंने आपका वक्त बचाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, तो आप सिंपली थोड़ा सा इस पे अच्छे से रिमूव करिएगा तो आपका सही से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप इस टूल से रिमूव नहीं करना चाहते तो आप सिंपली फोटोशॉप से भी कर सकते हैं। आप इस तरह इमेज को डाउनलोड कर लें, उसके बाद उसको फोटोशॉप से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रेज टूल नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इस टूल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी से रिमूव हो रहा है बनिस्बत उस टूल की। तो आप फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं अगर आप जल्दी करने जा रहे हैं।
रिमूव करने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करें एंड फिल कर दें, तो ये देखिए कितनी अच्छी जो है पिक का बैकग्राउंड मूव हो गया है और फोटो भी बहुत ज़बरदस्त बन गई है। तो इसको आप सेव करने के लिए सिंपली सेव एज पर क्लिक करें एंड उसके बाद PNG या फिर JPEG भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप इसको सेव कर लिया मैंने। तो आपको मैं अब इसका जो है व्यू दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका बैकग्राउंड मूव हो गया है। तो आप ऐसे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।